India is facing a serious calamity. From the north to the south, it is the summer of distress. But without water, how does one live? The taps in Chennai for lakhs of people are running dry. 3 days later. Code red for humanity. Barish ne Mumbai par dhawa bol diya hai. देश में एक साथ एक ही जगह पर बारिश से फ्लड्स भी हो रहे हैं और उसी सेम जगह पर कुछ दिनों बाद ही सूखा पड़ जाता है। आप दिल्ली ले लो ना, आज दिल्ली की कुछ ये हालत है। अगले 5 दिनों तक IMD ने वहाँ पर रेड अलर्ट इशू कर दिया है। दिल्ली सरकार PWD का रोज है और उसके सारा जल भराव हो चुका है, दिल्ली बेहाल है, बिलों तक डूब चुका है। लेकिन वही दिल्ली है जहाँ आज से सिर्फ 5 दिन पहले कुछ ऐसा नजारा था। Water tanker has just arrived, and there you see the situation where people have been trying to get drops of water. पानी जैसी चीज के लिए literally लोग वहाँ पर तरस रहे थे। तरसता तो छोड़ दो यार, दिल्ली में तो पानी को लेकर मर्डर तक हो चुके हैं। 2018 के केरला फ्लड्स भी आपको याद ही होंगे, जिसने 480 लोगों की जान ले ली और 40,000 करोड़ का नुकसान कर दिया। लेकिन उसी केरला में इस फ्लड्स के सिर्फ 8 महीने बाद पीने के लिए पानी तक नहीं था। सेम हाल मुंबई का भी है, हर साल रिकॉर्ड तोड़ बारिश, लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ पर पीने के लिए तक पानी नहीं होता है। तो आखिर ऐसा हो ही क्यों रहा है? जिन एरियाज में ऐसे मेगा फ्लड्स आ जाते हैं, उन्हीं एरियाज में कुछ दिनों बाद सूखा कैसे पड़ जाता है? और दूसरी बात, हर साल ही कैसे इंडिया में फ्लड्स आ जाते हैं? 2005 मुंबई फ्लड्स में 500 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। 2013 के उत्तराखंड फ्लड्स में भी 6,000 लोगों की जान गई थी। 2018 के केरला फ्लड्स में तो करीब 500 लोग मारे गए थे। और अभी 2 दिन पहले असम में भी फ्लड्स आए हैं, जिसमें अब तक 52 लोगों की डेथ हो चुकी है। एंड इवन बिहार में तो हर साल फ्लड्स की वजह से न जाने कितने लोग अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन ये फ्लड्स बिहार की कोई आज की प्रॉब्लम नहीं है। बिहार का यही हाल देश आजाद होने से पहले से है। मतलब हमारे देश में जब सरकारों को पता होता है कि बाढ़ आने वाली है, फिर भी हम इसके लिए प्रिपेयर क्यों नहीं होते हैं? दिस बेसिकली मींस कि इसका फंडामेंटल प्रॉब्लम हमारे फ्लड मैनेजमेंट में है। एंड एग्जैक्टली आज हम वही डिस्कस करेंगे कि व्हाई एवरी ईयर इंडिया फ्लड्स बट इंडियंस आर थर्स्टी। वैसे एक बात जो हमें नहीं बताई जाती वो ये है कि हमें लगता है कि फ्लड्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सी लेवल राइज हो रहा है। हाँ, वो भी एक रीज़न है, पर इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि पानी ऊपर नहीं, हमारी खुद की ज़मीन नीचे धंसती जा रही है हमारे कारनामों की वजह से। यस, फ्लड्स इसीलिए भी आ रहे हैं क्योंकि कई सारे गाँवों में, कई सारे शहरों में हमारी ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से वो पूरी की पूरी ज़मीन ही नीचे धंसती जा रही है। और इस बात को खुद इसरो और IIT इसके रिसर्चर्स ने तक कन्फर्म किया है। लेकिन आज का हमारा ये वीडियो सिर्फ प्रॉब्लम्स को गिनाना नहीं है, वो तो हमें ऑलरेडी पता है। हम आज के वीडियो में प्रैक्टिकल रियल लाइफ सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे जो हमारे आम इंडियंस ने ही इन्वेंट किए हैं अपने लेवल पर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। वो भी कुछ कुछ सॉल्यूशंस तो लिटरली इतने यूनिक है कि हवा से पानी बनाया जा रहा है पीने के लिए। कई गाँव में तो सरकारों से परेशान होकर अकेले औरतों ने मिलकर पूरे के पूरे गाँव की पानी की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व कर दी है। सो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। देखो, हमें ऐसा लगता है कि ये जो बाढ़ आ रही है इंडिया में, ये बारिश की वजह से है क्योंकि बारिश ज्यादा हो रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम 1951 से देखें तो हर साल उल्टा रेनफॉल में एक डिक्लाइन दिख रहा है। काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर की रिपोर्ट्स के हिसाब से आज तक ऑन एन एवरेज हर साल 10% बारिश कम होती जा रही है। अब नेचुरल क्वेश्चन ये है कि जब बारिश हर साल कम हो रही है तो फ्लड्स इतने क्यों हो रहे? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हर साल लगातार बारिश होने वाले दिन भी कम होते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक साल या फिर एक महीने जितनी बारिश अब 2-3 दिनों में ही कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, जिस वजह से कुछ इस तरह के डेवस्टेटिंग फ्लड्स आ जाते हैं जिनको हम फ्लैश फ्लड्स कहते हैं। ऐसा ही एक फ्लैश फ्लड 2023 में ही तमिलनाडु में आया था, जिसने एक झटके में 31 लोगों की जान ले ली। लेकिन क्वाइट सरप्राइजिंगली फिर उसी सेम इलाके में कुछ दिन बाद ही सूखा पड़ गया, ड्रॉट आ गया। अब ये कैसे होता है? मतलब एक्सट्रीम फ्लड्स और फिर कुछ दिनों के बाद एक्सट्रीम ड्रॉट, ये क्यों होता है? वेल, इसके पीछे के रीजन हम ही हैं, जो हम इजीली रिवर्स भी कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे, ये समझने से पहले मैं आपसे स्टॉक मार्केट की एक सीरियस प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहती हूँ। टेल मी, आखिर ऐसा क्यों है कि 90% ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट में फेल हो जाते हैं? वेल, द रीजन इज सिंपल। मोस्ट केसेस में ट्रेडर्स अपना टारगेट और स्टॉप लॉस सेट ही नहीं कर पाते हैं, और ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि इससे आप अपना पूरा का पूरा कैपिटल एक ही झटके में गंवा सकते हो। बट डोंट वरी, इसका सॉल्यूशन ना एक्चुअली एकदम सिंपल है। चलो आपको मार्केट वुल्फ, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, उस पे एक
सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ 999 रुपीस में भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो और आपको मिलती है डेली फ्री ट्रेड रिकमेंडेशंस फ्रॉम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। सो यहाँ पे ना इजी वे का एक फीचर है जो आपका ट्रेडिंग बहुत आसान बना देता है। मान लो आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो और आपको लगता है कि यहां से मार्केट डाउन जाएगा, तो आप डाउन डायरेक्शन पे क्लिक करते हो। अब यहां पर आप अपना प्रॉफिट टारगेट और स्टॉप लॉस पहले से ही डिफाइन करके रख सकते हो और फिर बस प्लेस ट्रेड पर क्लिक कर दो। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि क्योंकि आपका स्टॉप लॉस पहले से ही लगा हुआ है, सो अगर आपका लॉस हुआ तो आपका ट्रेड अपने आप वहां पर क्लोज हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स अगर आप सही डिसीजंस लेते हो तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, जिस पर आपको सिर्फ 19 रुपीस का ही ब्रोकरेज भरना होगा। और हाँ, अगर लॉस भी हुआ तो भी अनलाइक अदर एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म्स, यहाँ पर आपको सिर्फ 9 रुपीस का ब्रोकरेज ही भरना होगा। दिस इज एग्जैक्टली वाई आज मार्केट वुल्फ के ओवर 2 मिलियन डाउनलोड्स है। सो टू ट्रेड सेफली यू कैन डेफिनेटली चेक आउट मार्केट वुल्फ एप्लीकेशन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट्स। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, हम डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया में एक्सट्रीम फ्लड्स और एक्सट्रीम ड्रॉट आखिर क्यों होता है। सो इसके पीछे जो सबसे पहला रीजन है वो है अनप्लान्ड सेटलमेंट्स। जरा इस डायग्राम को देखो, यूजुअली नदी ना इस पार्ट में बहती है पर उसके फ्लड प्लेन की लिमिट यहाँ तक है। लेकिन अब इसमें हम लोग ने क्या किया, हमने नदी के एम्बैंकमेंट के आसपास का पूरा जंगल साफ करके वही नदी के फ्लड प्लेन्स में ही अपना घर बना लिया। फिर जब बारिश आई और नदी फुल फ्लडेड बहने लग गई, तब वहाँ आसपास बने वाले घर डूब गए और हमें लगता रहा कि फ्लड्स आए हैं, बाढ़ आई है, पर सच्चाई तो ये है कि हमने हमारे घर ही पानी में बनाए हैं। ऐसे फ्लड प्लेन्स में बने घर के कई एग्जांपल्स इंडिया में मौजूद है। यूपी का अकबर नगर ही ले लो, जिसे लेकर हाल फिलहाल में कई सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी। दरअसल लखनऊ का अकबर नगर इलाका कुकरैल रिवर फ्रंट के दायरे में आता है, जहाँ लोगों ने अवैध रूप से फर्नीचर शोरूम, दुकान और घर बना लिए। इसके बाद प्रशासन अब बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा है। लेकिन इन घरों को हटाने का एक मेन रीजन ये भी था कि वो बस्तियां गोमती नदी के फ्लड प्लेन्स में बनी हुई थी, तो आगे जाकर उनका डूबने का खतरा बहुत ज्यादा था। यही क्या, अभी रिसेंटली हुए बेंगलुरु का वाटर क्राइसिस भी आपको याद होगा, जहाँ पे बेंगलुरु में पीने के लिए पानी ही नहीं था। सो वो क्यों हुए, जबकि बेंगलुरु नेचुरली तो ड्रॉट प्रोन एरिया है भी नहीं। तो देखो, ये तो मैप्स बेंगलुरु के वाटर रिजर्व्स और वेजिटेशन के मैप्स हैं। इसमें 1973 तक जो एरिया रेड एरिया दिख रहा है, उतना ही ह्यूमन सेटलमेंट उस टाइम तक था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, लोगों ने वाटर बॉडीज पर लैंड फिल कर करके उसी के ऊपर घर बनाना शुरू कर दिया, और उसके बाद बेंगलुरु कुछ ऐसा दिखने लग गया, फुल कॉन्क्रीट जंगल। जिससे हुआ ये कि जमीन पे कंक्रीट होने के वजह से बारिश के बाद का जो पानी था वो जमीन में जाने का उसके पास कोई सोर्स ही नहीं बचा था। इससे इवेंचुअली ग्राउंड वाटर रिचार्ज तो हुआ नहीं, जिससे फ्लड्स तो आई, लेकिन लोगों के वाटर नीड्स के लिए भी कोई नेचुरल वाटर रिजर्व वहां पे नहीं बचा, और इसका नतीजा हम सबके सामने था। एंड ये सिर्फ बैंगलोर का केस नहीं है, सूरत, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई जैसे इंडिया के कई मेजर सिटीज में भी वाटर बॉडीज के डिस्ट्रक्शन से फ्लड्स भी आ रहे हैं और ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी नहीं हो पा रहा है। एंड इसी से वेरी शॉकिंगली एक और एक प्रॉब्लम हो रही है, हमारी जमीन नीचे धंसती जा रही है। यस, फ्लड्स आने के पीछे एक और एक मेजर रीजन ये भी है कि हमारी सरफेस लैंड धीरे धीरे हर साल नीचे जाती जा रही है। रिसेंटली इसरो और IIT कानपुर ने जब इस फिनोमिनन पे एक रिसर्च की थी, तब उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि द्वारका, गुड़गांव, फरीदाबाद जैसे ये जो एरियाज है, ये हर साल 3 से 5 सेंटीमीटर जमीन में नीचे धंसते जा रहे हैं। और इसके पीछे जो मेजर रीजन है वो है डिप्लीशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। उनके मुताबिक ये होश ले रहा है, क्योंकि जब जमीन के नीचे अंडरग्राउंड वाटर होता है ना, तब सरफेस लैंड एकदम स्टेबल हो जाती है। लेकिन जैसे ही ग्राउंड वाटर खाली हो जाता है, लैंड में छोटे छोटे एम्प्टी स्पेसेस यानी कि कैविटीज की वजह से ऊपर वाली जमीन अंदर धंसती जाती है। अब इसके वजह से जब पूरा शहर ही नीचे धंसते जाएगा, तो थोड़ी सी बारिश में भी फ्लड्स आना तो लाजमी है। नेक्स्ट रीजन इज चोकिंग ऑफ वाटर रिजर्व्स। ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि रिवर बैंक्स में सेटलमेंट्स बनाने के चक्कर में हम ह्यूमंस उसके आसपास वाले एरिया में हेवी डिफोरेस्टेशन भी करते हैं, लेकिन इससे होता यह है कि पेड़ जो सॉइल को होल्ड करके रखता है वो लूज हो जाती है और ये सारी की सारी मिट्टी जाके रिवर बेड्स में कलेक्ट हो जाती है। इससे उन रिवर बेड्स की कैपेसिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी ज्यादा कम हो जाती है, जिससे ऑफकोर्स बारिश आने के बाद नदी का पानी बाहर आने लगता है और नतीजा वही फ्लड्स आ जाते हैं। इस कम्प्लीटली मैनमेड डिजास्टर के भी कई सारे फेमस एग्जांपल्स हैं, जैसे 2018 के केरला फ्लड्स में पेरियर, पाम्बा जैसे 5 रिवर्स ओवरफ्लो हो गई थी। ये इसलिए हुआ था क्योंकि इन नदियों में आज तक लिटरली कचरा और सेप्टिक वेस्ट को तक डंप किया जाता है। पाम्बा रिवर की कंडीशन को तो आप खुद ही देख लो। फिर नेक्स्ट 2013 का उत्तराखंड फ्लड्स ले लो, जिसमें अलकनंदा और भागीरथी रिवर्स ओवरफ्लो हो गई थी। अब इनके ओवरफ्लो होने का भी वन ऑफ द मेजर रीजन था उत्तराखंड के इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स। इन प्रोजेक्ट्स में जो डेब्रीज यानी कि मलबा निकल रहा था, उसे कॉन्ट्रैक्टर्स नदी में ही जाकर डंप कर रहे थे, जिससे नदी इतने ह्यूज लेवल पर फ्लड हो गई थी। 100 लाख क्यूबिक मीटर मक डिस्पोज हुआ है रिवर में इस दौरान, जो डायरेक्ट
सेडिमेंट के फॉर्म में नीचे को आया है, जिसने पानी के आकार को बहुत ज्यादा बढ़ाया। इवन 26 जुलाई 2005 के मुंबई फ्लड्स भी मीठी नदी के ओवरफ्लो होने की वजह से ही आए थे, जिसे हम मुंबईकर्स ने गटर बना के रख दिया है। नाउ सिर्फ डिफॉरेस्टेशन ही वाटर बॉडीज के क्लॉगिंग का रीजन नहीं है, अर्बन सिटीज में गार्बेज डंपिंग और एंक्रोचमेंट्स भी एक मेजर रीजन है। गुड़गांव में तो वहां के 9 सबसे बड़े तालाबों को कचरा फेंक फेंक कर उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया है। यूपी में भी स्टेट के मेजर डिस्ट्रिक्ट बंदा के पॉन्ड्स का भी सेम हाल है। बिहार में तो तालाबों पे लैंड एंक्रोचमेंट हो रखा है, वहां लिटरली ऐसे 3-3 माला के घर तालाबों के ऊपर बन रखे हैं। और एग्जैक्टली हमारी ही इन सब गलतियों का जो नतीजा है हम आज भुगत रहे हैं। स्टडीज ये कहती है कि सिटीज में रूरल एरियाज के कंपैरिजन में 8 times ज्यादा फ्लड्स होते हैं। ऑफकोर्स सरकारें तो इस पर काम कर ही रही है अपने लेवल पर, अपने गति पर, बट तब तक के लिए वी कैन नॉट कीप ऑन कर्सिंग द डार्कनेस, राइट? एग्जैक्टली यही सोच थी कुछ इंडियंस की, जिन्होंने इस पर काफी सारे इंटरेस्टिंग सोल्यूशंस भी ढूंढ निकाले। तो चलो इनको एक एक करके समझते हैं। सो इन सारे सोल्यूशंस को हमने 3 parts में बांट रखा है। नंबर 1 इज कम्युनिटी लेवल सोल्यूशंस। वाटर कंजर्वेशन के लिए कम्युनिटी कितना बड़ा रोल प्ले करती है, इसको समझने के लिए हमारे बुंदेलखंड जैसा हिस्टोरिकली ड्रॉट प्रोन एरिया बेस्ट एग्जाम्पल है। पानी की बहुत परेशानी है हमें, और 4 किलो दूर से पानी ले आते हैं। यहाँ पे औरतों को 4-4 किलोमीटर दूर तक जाकर अनफॉर्चुनेटली पानी लाना पड़ता था, लेकिन आज वही एरिया कम्प्लीटली वाटर सफिशिएंट हो चुका है। और इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, बुंदेलखंड की औरतें। यस, वहाँ की औरतों ने आज ना ही सिर्फ अपना भविष्य बदला, बल्कि आज उस पूरे ड्राई रीजन को हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म कर दिया, वो भी बिना किसी सरकारी मदद के, खुद अपने दम पर। सो हुआ ये कि 2005 में मधोगढ़ गांव की कुछ औरतों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, जिसका नाम उन्होंने रख दिया जल सहेली। अब शुरुआत में तो उनके ग्रुप में सिर्फ 15-20 औरतें और कुछ 4-5 मेल्स ही थे, लेकिन इन औरतों ने मिलकर अपने गांव में बहुत सारे तालाब खुद ही अपने हाथों से खोदकर मैनमेड पॉन्ड्स यानी कि वाटर रिजर्व्स बना दिए, जिससे जैसे ही वहां पे बारिश हुई उन मैनमेड तालाबों में पानी भरने लग गया जो पहले ऐसे ही बह जाता था। अब इससे हुआ है कि सिर्फ कुछ ही सालों में उनके गांव का वाटर लेवल ऊपर आने लग गया, और जैसे जैसे उनके एफर्ट्स रंग लाए, ऑफकोर्स और भी ज्यादा लोग उनके साथ जुड़ते गए, और आज उनके पास 500 से भी ज्यादा लोग का एक पूरा ग्रुप है जो गांव-गांव जाकर तालाब खुद ही खोदते हैं। और इन्हीं फीमेल्स के श्रमदान से बुंदेलखंड के 200 गांव और 7 districts का एरिया आज एक पूरा वाटर सफिशिएंट रीजन बन चुका है, और इसके लिए ही इन महिलाओं को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अवार्ड तक मिल चुका है। सेम कुछ इसी तरह का काम महाराष्ट्र के हिवारे बाजार के लोगों ने भी किया। यहाँ के लोगों ने भी जगह जगह श्रमदान यानी कि खुद से पॉन्ड्स खोदना शुरू कर दिया और बारिश के पानी को जमा करना शुरू कर दिया। नाउ नेक्स्ट सोल्यूशन, हवा से पानी बनाने वाला इन्वेंशन। यस, IIT मद्रास के एक प्रोफेसर टी प्रदीप और उनके कुछ स्टूडेंट्स रमेश और अंकित ने लिटरली हवा से पानी बनाने वाली एक ऐसी मशीन इन्वेंट की है जो ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करके उसको ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट कर देती है, और आज यही मशीन को स्कूल्स, कॉलेजेस, इवन इंडस्ट्रीज में तक यूज किया जा रहा है। इसका नाम उन्होंने रखा है वायुजल, और इसको बनाने वाली कंपनी तो हर जगह पे हर घरों में RO की तरह इसको पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। नाउ थर्ड है पर्सनल लेवल सॉल्यूशंस, स्टार्टिंग विद रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये एक ऐसा तरीका है जिसे हम पर्सनल लेवल पर एकदम कम खर्चे में अपने घरों में कर सकते हैं। जैसे एक काफी इंटरेस्टिंग केस मैंने पढ़ा था राजस्थान के आशीष का, जिन्होंने अपने घर में वाटर टैंक्स और वाटर एक्वीफायर्स बना लिए हैं, जिससे राजस्थान जैसे काफी ड्रॉट प्रोन एरिया में रहने के बाद भी वो बड़े ही आराम से ग्राउंड वाटर रिचार्ज करके अपने साल भर के पानी की जरूरत को पूरा कर लेते हैं। जो सरप्लस वाटर है उसको हम बाहर ऐसे ही बहने नहीं दें, उसको हम जमीन में रिचार्ज करें, है ना। तो ये लगभग एक हाई इंटेंसिटी रेनफॉल के हिसाब से हमने इसको 7,000 की कैपेसिटी का बनाया है, तो पानी इसमें गिर के इसके अंदर जमीन में बच जाता है। इसके अलावा वो अपने ही होम गार्डन में इसी से सब्जी भी उगा रहे हैं, और आप यकीन नहीं करोगे इसकी कॉस्टिंग भी ज्यादा से ज्यादा 5,000 से 10,000 रुपए के बीच में ही आती है। नेक्स्ट ऑफकोर्स इज गवर्नमेंट लेवल सोल्यूशंस। इसमें बात करते हैं ओडिशा के ग्राउंड वाटर मार्वल के बारे में, मतलब वहाँ की गवर्नमेंट ने कैसे अपने साइक्लोन प्रोन ओडिशा के फ्लडिंग जैसे आपदा को एक अवसर में बदला है। सो एज यू ऑल नो, हर साल साइक्लोन की वजह से ओडिशा का ये ईस्टर्न एरिया पानी में डूब जाता है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ ये वेस्टर्न ओडिशा का हाई एलिवेटेड एरिया जो एक ड्रॉट प्रोन एरिया होने की वजह से ना ही यहाँ पर एक तो खेती हो पाती है, और उसके वजह से लोग यहाँ पर रहना भी नहीं चाहते। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ओडिशा गवर्नमेंट ने अपने संबलपुर रीजन में हीराकुड डैम बनाया, और इस पूरे रीजन में 3,000 किलोमीटर से भी ज्यादा की अंडरग्राउंड पाइपलाइंस बिछा दी। इससे लैंड एक्विजिशन की भी कोई झंझट नहीं रही, और किसान भी खुश
ब्रिटिश थे कोई आंदोलन नहीं कर रहे थे क्योंकि उनके एग्रीकल्चरल लैंड भी टोटली सेफ थी। लेकिन इससे हुआ ये कि फ्लड प्रोन एरिया का जो एक्सेसिव पानी था वो डैम में लाकर उसे पंप स्टेशन की मदद से जो वेस्टर्न उड़ीसा था वहां पे जो बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट के ड्रॉट प्रोन एरियाज थे वहां पर उस पानी को पहुंचा दिया गया और इसी की वजह से आज वहां पर एक अच्छी खासी खेती हो पा रही है। इनफैक्ट आज तो ओडिशा एक टॉप राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट भी बन चुका है। सो डेफिनेटली कूडोस टू ओडिशा गवर्नमेंट क्योंकि एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी थी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन दिस मेड मी रियलाइज कि जब एक स्टेट गवर्नमेंट अपने एक छोटे से एफर्ट से इतना बड़ा चेंज ला सकती है तो और भी ऐसे सॉल्यूशंस होंगे ना जो गवर्नमेंट्स अपने लेवल पे इंप्लीमेंट कर सकती है। जैसे सबसे बेसिक सॉल्यूशन इज परमीएबल कंक्रीट सिस्टम्स। हम पार्किंग, फुटपाथ और सर्विस रोड्स जैसे जगहों पर कुछ इस तरह के परमीएबल कंक्रीट सिस्टम्स के रोड्स बना सकते हैं जिससे जब भी बारिश या फ्लड्स आएंगे तब ये कंक्रीट अपने थ्रू पानी को ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए पास होने देगा जिससे हमारा वाटर लेवल इंक्रीज होगा। और अगर चाहे तो इसके नीचे पाइप्स डालकर हम इन रोड के अंदर एब्जॉर्ब होने वाले पानी को किसी लेक या फिर पॉन्ड में स्टोर कर सकते हैं। सेकंड सॉल्यूशन रेन गार्डन्स। इसी ग्राउंड वाटर रिचार्ज के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये रेन गार्डन्स का कॉन्सेप्ट जिनको ऑलरेडी इंडिया में कई जगहों पर प्रैक्टिस करना चालू भी कर दिया है। ये रेन गार्डन्स कुछ इस तरह के होते हैं जो सिर्फ ग्राउंड वाटर रिचार्ज ही नहीं बल्कि सॉइल इरोजन को भी बचाते हैं। इनको इजीली हम फ्लाईओवर्स के नीचे और एक्सप्रेस हाईवेज के बीच के जो डिवाइडर्स होते हैं वहां पर भी इनको यूज कर सकते हैं। थर्ड सॉल्यूशन स्पंजी सिटीज। बेसिकली चाइना में ये सिटीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है जिनमें मोस्टली ऐसे पोरस और पॉन्ड जैसे जगहों को ओपनली छोड़ दिया जाता है ताकि वहां पे बारिश के समय रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो सके। और फ्लड्स के टाइम पे भी यही पॉन्ड्स खुद ही सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और क्योंकि यही कलेक्ट हुआ हुआ पानी नेचुरली रिचार्ज होता रहता है तो ये सिटीज अपने आप में ही वाटर सफिशिएंट ज़ोन्स भी बन जाते हैं। सो ये कुछ सॉल्यूशंस और इनोवेशंस थे जो हमें हमारे रिसर्च के टाइम पे मिला बट आई एम वेरी श्योर द लिस्ट डज नॉट एंड हियर। आपको भी ढेरों ऐसे इन्वेंशन मिल जाएंगे जो आप ऑफकोर्स नीचे कॉमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो हमारे साथ। लेकिन ये बात तो श्योर है कि ये प्रॉब्लम कोई बड़ी नहीं है, ये सॉल्व डेफिनेटली हो सकती है। लेकिन उसके लिए हम जैसे आम जनता को सरकारों से ये मांग करनी होगी, इसे एक वोटिंग का मुद्दा बनाना होगा। हमें हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये मैसेज एकदम क्लियर करना होगा कि सिर्फ वही पॉलिटिकल पार्टी पावर में आएगी जो हमारी ये बेसिक नीड्स पूरी करे, सिर्फ हिंदू मुस्लिम ना करे। ये मेरे हिसाब से बेस्ट सोल्यूशन है कि हमें ज्यादा से लोगों को ये बात बतानी होगी कि वो अपनी लोकल सरकारों से ही सही बड़ी सवाल करे कि इंडिया में पानी जैसी बेसिक चीज को लेकर भी अब तक मारामारी क्यों हो रही है। ये प्रॉब्लम्स कोई आज की थोड़ी है, सालों से हम ये प्रॉब्लम्स देखते आ रहे हैं लेकिन अब तक इसका सलूशन नहीं मिला है और कितना रुकेंगे हम। सो जैसे मैंने कहा कि ये मेरे हिसाब से बेस्ट सलूशन है लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास कोई बेटर आइडियाज है तो प्लीज उसे नीचे कॉमेंट सेक्शन में शेयर करना, आई वुड लव टू नो। और हाँ, अगर आपको इंडिया के ऊपर बने ऐसे वीडियोज पसंद आते हैं तो आपको मेरा ये वाला वीडियो भी पसंद आएगा जहां पर मैं पंजाब में हो रहे एक बहुत ही बड़े प्रॉब्लम ड्रग प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। उस वीडियो को चेकआउट करने के लिए आप यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक कर सकते हो। और हाँ, जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू ट्रेड सेफली, यू कैन डेफिनेटली चेक आउट मार्केट वुल्फ ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। मिलते हैं अगले टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।